जा रे जा दिल रूबा जा रे जा, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। वादे थे तेरे तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा, अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। संगम जी, लगता है हमारे घर के दरवाजे की घंटी खराब हो गई है, बैल बज रही है, कोई है ही नहीं बाहर। मगर घंटी बजी है ना, कोई ना कोई तो होना चाहिए। वो घंटी आपकी बज रही है। हेलो, मैं फैमिली कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, फोन उठाने में इतनी देरी क्यों? अब ज्यादा बात करोगे ना तो फोन काट के अगली 25 तारीख को फोन करने को कहूंगी। आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में आकर कहिए। क्या? देखिए, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि अब ये तारीखों का चक्कर खत्म। हा? राहुल और मीरा से कह दीजिएगा कि 20 तारीख यानी कि आज से ठीक 8 दिन बाद कोर्ट में आकर अपने डिवोर्स के पेपर्स ले जाएं। क्या? 20 तारीख को उन दोनों का अलग होना निश्चित है। क्या बात है समन जी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुशी की तो बात है ना, हमें भी आनंद लेने दो। कह रहे थे अगली 20 तारीख को मतलब आज से 8 दिन के बाद राहुल और मीरा का फाइनली डिवोर्स हो जाएगा। क्या? क्या कहा? मेरा डिवोर्स फिक्स हो गया? ओ मम्मी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। किसको क्या सुनाया जा रहा है, कुछ हमें भी तो मालूम हो। राहुल तुम आ गए। जब तक कोर्ट पूरा फैसला नहीं देती फाइनल, तब तक लौट के तुम्हारे पास ही आना है। क्योंकि जज का फोन था 8 दिन बाद 20 तारीख को हमारा डिवोर्स फिक्स हो गया है। क्या? मीरा, तुम सच कह रही हो? हे भगवान, कहीं खुशी से मैं पागल ना हो जाऊं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कितने बरसों के इंतजार के बाद ये दिन आया। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। सेम डायलॉग मैंने अभी अभी माँ को सुनाया है। मैंने भी सुना था, अच्छा था। ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी की थकन यक बयक उतर गई हो। सच? मेरी तो समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ मत करो राहुल, कुछ दिनों बाद हम खुशी खुशी एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। हेलो, अरे भाई कोई बोलता क्यों नहीं है? पापा, फोन नहीं डोरबेल बज रही है। ओह, आई एम सॉरी। रुकिए, दरवाजा मैं खोलती हूँ, पता नहीं फिर कब दरवाजा खोलकर सेवा करने का मौका मिले। तुम्हारा तलाक का जो है ना वो दिन फिक्स हुआ है, मेरे घर का काम कम हो गया। नमस्कार मैडम। नमस्ते तुकाराम, कैसे हो? मैं मजे में मैडम, जब से ईमेल का काम शुरू हो गया ना, हमारा काम आधा हो गया। वेरी गुड, 8 दिन के बाद और कम होगा। मेरा डिवोर्स कंफर्म हो गया। अरे बेटी, ऐसी बातें सबको नहीं बताते। नो प्रॉब्लम पापा, ये किसी को नहीं बताएगा। अरे पोस्टमैन का काम ही होता है यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ पहुँचाना। दिवाली का बख्शीस? अरे दिवाली को तो अभी 4-5 महीने का टाइम है। तब तक आप यहाँ नहीं रहेगी ना मैडम? कल आकर ले लेना। ये रहा, और कम से कम 100 रुपया दे देना। भारतीय बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस, 25 लाख का बीमा राहुल के नाम। आइए मीरा जी, आइए। आपके डिवोर्स की न्यूज सुन के मैं थोड़ा नर्वस हो गया। वो क्यों? दरअसल क्या है ना कि अगर केस चलते रहता है तो हमें क्लाइंट से कुछ ना कुछ मिलते रहता है, जहाँ एक बार केस सॉल्व हुआ फिर क्लाइंट शक्ल कहाँ दिखाते। इस नए प्रॉब्लम का क्या करें? ला मुझे दिखाइए। अच्छा हुआ ये लेटर मुझे मिल गया,
नहीं तो मुझे इन पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। मीरा जी, आपको 20 तारीख को डिवोर्स मिल रहा है और इस महीने की 20 तारीख तक राहुल की सारी प्रॉपर्टी पर आपका हक है। जो मुझे पता है वही बात मत बताइए। के मुताबिक इस महीने की 30 तारीख को मिस्टर राहुल को 25 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिलने वाले हैं, जिस पर आपका कोई हक नहीं है। आप कुछ कीजिए ना, अब इतना लॉस खाकर तो डिवोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर डिवोर्स रुक जाए तो राहुल की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपको मिलेगा और एक हिस्सा मुझे। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब मेरा कमीशन। आप पत्नियों को नहीं जानते, अगर पैसे मिलने तक मैं राहुल के साथ रही ना तो सिर्फ हिस्सा ही क्यों, पूरे पैसे मुझे मिल सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर राहुल आपको कुछ पैसे देंगे। पति की जेब तो पत्नी के लिए एटीएम मशीन की तरह होती है, डाला हाथ लिए पैसे, कोई कोड वर्ड नहीं, कोई पासवर्ड नहीं। मिस्टर राहुल को समझाइए, डिवोर्स रोकिए। आप तो डिवोर्स रोकने के लिए ऐसे कह रहे हैं जैसे पब्लिक पत्थर मारकर लोकल ट्रेन रोकती है। जैसे उस मीरा ने विश का प्याला पिया था वैसे ही आप भी विश पी लीजिए, देन ऑल द विशेस विल कम ट्रू। हाँ, जहर पी लीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। अरे समझ जाइए ना। खुद चलकर मेरे हाथ से बैग ले लिया। मेरा तुम पर और तुम्हारे बैग पर कोई भी अधिकार नहीं है क्या? क्यों नहीं है भाई, कम से कम 6 दिन और तो पूरा अधिकार है तुम्हारा, क्यों नहीं है? उन बातों को याद मत दिलाओ जिन्हें मैं भूलना चाहती हूँ। अरे तो मैं भी कहाँ याद रखना चाहता हूँ, वो वकील कमबख्त जो है फोन कर करके याद दिलाता रहता है। मुझे तो लगता है ये लोग जान बूझ के जो है ना तारीखें आगे बढ़ाते ही रहते। तो फिर तुमने क्या किया? अरे भाई, मैंने उनसे कहा कि झटपट कुछ फैसला करो, आर हो या पार हो, कितने लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, माँ जी, पिताजी, बच्चे, तुम। भाई डिवोर्स का कोई आर पार फैसला हो तो मेरी भी समझ में आए, मुझे किस पार जाना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तलाक की वजह क्या है? शादी, तुमसे शादी। अगर शादी न हुई होती हमारी तो तलाक का सवाल ही क्या होता था। लेकिन शादी के लिए जिद तो तुम्हें नहीं की थी ना? हाँ भाई, गलती तो इंसान से ही होती है। तुमने गलती नहीं की या तुम इंसान नहीं हो? अरे भाई गलती क्या, मैंने तो गुनाह किया है, तुम्हें चाहा, तुम्हारा दिल चुराया, तुमसे शादी की, तो अब भुगत रहा हूँ ना। ऐसा मत कहो, आई लव यू वेरी मच। अब तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। खोना तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहता था, इसीलिए तो शादी करके घर ले आया। पर अब सोचता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद किसी हसीन लड़की को घर में सिर्फ पेइंग गेस्ट बना के ले आऊंगा, मजा आएगा। नहीं जाओ राहुल, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे तो तुम भी कहाँ जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सच? हाँ बेटा, हम भी नहीं जानते कि अचानक तुम दोनों में प्यार कहाँ से आ गया। और आगे आए तो जाने मत देना। भूल जाओ कि तुम दोनों ने कभी अलग होने का फैसला किया था। अरे पर माँ जी, अब तो कोर्ट ने फाइनल फैसला दे दिया है, 20 तारीख को तो बिल्कुल अंतिम लिखा पड़ी हो जाएगी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, तुम प्यार करो प्यार। हाँ, इतना पैसा खर्च किया वो कैसा वेस्ट हो जाए। राहुल, मेरे सामने तुम्हें पैसों की पड़ी है, मम्मी देखो कैसी घड़ी है। देखो, तुम्हारे वकील को मैं समझाऊंगी, अगर ठीक तरह से समझ गया तो ठीक है, वरना मैं उसे नानी याद दिला दूंगी। मैं प्रोफेसर याद दिला दूंगा? इतनी मेहनत की, ऐसे थोड़ी की मेहनत। नहीं राहुल, नहीं, मेरे लिए नहीं, नहीं, नहीं। मम्मी पापा के लिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। चुप रहो प्लीज। क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे प्यार में अंधे नहीं होते तो ये सवाल कभी नहीं पूछते। लाइट कम है रूम में। मैं तुम्हारे पैर दबा रही हूँ।
अरे पर दर्द मेरे पैरों में नहीं है भाई, धड़कन जरा ऊंची नीची हो रही है, दिल को जैसा। इसका मतलब तुम्हारे सीने में दिल भी है? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। एवरेज मिडिल क्लास पति पत्नी ऐसे ही जोक मारते होंगे ना। समझ नहीं पाया। लेकिन मैं तुम्हें समझ गई। आज मुझे पता चल गया मैं कितनी गलत थी और तुम कितने सही। नहीं मेरा, तुम ही सही थी, मैं ही गलत था शायद। चलो ये भी ठीक है। पोस्टमैन की कृपा। पोस्टमैन बीच में कैसे आ गया? पोस्टमैन नहीं, मेरा दिल, मेरे दिल का कबूतर जो मेरे दिल में गुटरगू कर रहा है। LIC. कुछ नहीं, अब तुम सो जाओ ना, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ। ये भी अजीब तमाशा है, हमारा पैर है कि टूट रहा है, तुम मेरे पैर दबा रही हो। जो करना है करो भैया। नहीं 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 मीरा जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए देखिए, मैं आपकी बात सुनकर बहुत खुश हूँ। ये सोचे मेरा क्या हाल हुआ होगा। अब आप क्या सोचने लगे? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका क्या हाल हुआ होगा। मैं राहुल के पैर दबा रही थी। मीरा जी, अगर मामला 25 लाख का नहीं होता ना, तो आपको राहुल के पैर दबाने तो दूर, मैं आपको उसके पास तक नहीं फटकने देता। प्यार, जंग, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, फिल्म लाइन और तलाक, इसमें सब कुछ जायज है भाई। मैं तो कहता हूँ कि आज सब मैं सब कुछ जायज है। प्रोग्रेसिव है। आप कुछ दिन तक और राहुल को ऐसे ही बहकाइए ताकि एक दिन वो खुद बोले, मीरा हमें डिवोर्स के बारे में कुछ दिन और सोचना चाहिए। मेरी अकल को भी जाने क्या हो गया था जो ऐसी प्यार करने वाली बीवी को तलाक देने की सोच रहा था। देखिए, अगर सुबह का भूला दोपहर को घर वापस आ जाए और फिर वापस चला जाए और फिर शाम को फिर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं, भूल भुलैया कहते हैं। किसकी है? किसकी? मेरी है। अरे तो चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कब दावा किया कि मेरी है? मुझे तो अब याद भी नहीं झगड़े के किस पॉइंट को लेकर हमने डिवोर्स के पेपर ही साइन कर डाले। हाँ मुझे भी याद नहीं बेटे, बिल्कुल याद नहीं है। मैंने मीरा की आंखों में देखा। क्या हुआ उसकी आंखों को? मैं अपना भविष्य देख रहा था। मैंने देखा सोनू मोनू और मीरा दर बदर की ठोकरें खा रहे, हाथ में कपड़े की एक गंदी मैली कुचैली थैली लेकर, और उस थैली में हर महीने का खर्चा 15,000 रुपए है। नहीं, मुझे हर जाने के 15,000 रुपए नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्या तुम्हारा, अरे बोलो ना, प्यार चाहिए। तुम्हारा प्यार ही मेरी जीत होगी राहुल। मीरा, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है, और गले लग जा। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा राहुल, पहले 20 तारीख को होने वाले डिवोर्स को रोकना होगा। कौन रोकेगा उसे? मैं उसे रोकूंगा। सोचना है डिवोर्स के बारे में भी? भला कोई सोचता है? डिवोर्स हमेशा बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। ये सोचो मत, फैसला करो, गिव मी योर आंसर ताकि मैं उसे लॉक कर सकूं। मुझे बात आ रही है डिवोर्स के पेपर्स साइन रीसाइन करने में बड़ी तकलीफ होती है। जज साहब, मैंने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि अब तो जीना मरना मीरा के संग। इससे तो पूछ लो, ये तुम्हारे संग मरने को तैयार है? मैं कहता हूँ मरना छोड़ो, ये जीने को तैयार है? मैं अपने हर महीने के 15,000 हर जाने पर पानी फेरने के लिए तैयार हूँ। इससे तो आपको यकीन हो सकता है, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं राहुल के पास हूँ और राहुल मेरे पास। इस वक्त तो तुम दोनों मेरे पास हो। हम इस टूटते हुए घर को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मुझे आपका घर बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस महीने की 20 तारीख को मैं किसे डाइवोर्स दूं? 20 तारीख अच्छा दिन है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा दिन है, वेरी ऑस्पिशियस डे। हाँ, इसी दिन मेरा डाइवोर्स हुआ था। कांग्रेचुलेशंस। इसलिए उस दिन की याद में मैं हर महीने की 20 तारीख को किसी ना किसी को डिवोर्स जरूर दे देता हूँ। बहुत अफसोस है जज साहब, हमारी वजह से आपका ये शुभ दिन इस बार खाली जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कोई ना कोई तो आ ही जाता है। देखिए, हर एक तो हमारी तरह कोई सीरियस प्रॉब्लम को लेकर डिवोर्स लेता नहीं,
इस देश में तो लोग छोटे मोटे घरेलू झगड़ों पर ही डिवोर्स ले लेते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में डिवोर्स लेते हैं जज साहब। यस, ही इज राइट। तो हम चलें? हाँ हाँ चलो। लेकिन सुनो, कल तक अपने ओरिजिनल पेपर्स यहाँ पर जरूर सबमिट कर दो। अरे भाई, तुम्हें अपना डिवोर्स कैंसिल कराना है ना? थैंक यू सो मच। अच्छा, मीरा कैसी अजीब बात है, अब ये घर मुझे अपना लगता है, बिल्कुल सच जैसे मेरा सपना लगता है। कहाँ वो 15,000 और कहाँ ये 15,000 और कहाँ ये करोड़ों का प्यार। बच्चे सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। हम उन्हें फोन करते हैं। चल चल चल, एक मिनट मैं जरा हाथ मुंह धो के जल्दी आओ। जल्दी आओ, जल्दी ओके, जल्दी आओ। ओफो, ये मीरा तो कोई चीज संभाल के नहीं रखती। राहुल श्याम इंश्योरेंस कंपनी का लेटर खुला हुआ और वो भी मीरा की बैग। 25,00,000 की मेरे नाम की पॉलिसी अभी 30 तारीख को चल रही है। वकील साहब, आप चिंता मत कीजिए, अपना काम हो गया। अपना मतलब मेरा क्या काम था? आपका नहीं, मेरा और राहुल का। राहुल ने खुद जज से कहा कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। जज मान गए? हाँ, वकील साहब, अब LIC के उस 25,00,000 पर मेरा भी हक है। ठीक किया ना मैंने? आखिर आइडिया किसका था? राहुल को उल्लू बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब मैं हर महीने 50,000 का हर्जाना मांगूंगी। गुड, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, कौन? LIC? LIC? हाँ हाँ, 25,00,000 मेरे नाम का? नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कोई खत नहीं मिला। ओहो, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत थी। भैया, ये तो आपकी गलती है, लेकिन गलती करेंगे आप, भुगतेंगे बेचारे हम। ठीक है, मैं आपके दफ्तर आके स्पेलिंग वगैरह ठीक करवा दूँ। अरे भाई, पहले लेटर तो मिले, मुझे अभी तक तो लेटर ही नहीं मिला। ओके, इंश्योरेंस इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट पॉलिसी। यस, कहीं वो LIC का 25,00,000 रुपए वाला खत तो नहीं ढूंढ रही हो? तुम्हें कैसे पता? 7 साल तक तुम्हारा शौहर रहा हूं ना, इसलिए। वो मेरे पास है। ओह, कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रही थी कि तुम्हारा नाम उसमें सही लिखा है कि नहीं। मेरा नाम उसमें बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन तुम्हारी नियत बिल्कुल सही नहीं। क्या मतलब? मतलब तो सुबह ही मालूम हो जाएगा तुमको, मतलब ही। हेलो जज साहब, राहुल बोल रहा हूँ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं अपना डिवोर्स कैंसिल करने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। ओए, तुम पति हो या इंडियन गवर्नमेंट, घड़ी घड़ी अपना प्लान चेंज करते हो? साहब, मेरे वो इंश्योरेंस के 25,00,000 रुपयों के लिए ये मीरा मुझसे प्यार का नाटक कर रही है, मुझे मेरा डिवोर्स दिला दीजिए। देखो, अभी तो मैंने तुम्हारे डिवोर्स के कैंसिलेशंस के ऑर्डर्स दे दिए हैं, अब वो कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हें दोबारा से डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो मैं फिर से कंसीडर करूंगा और आगे सबमिट करूंगा, तब देखा जाएगा। मेरी LIC की पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मुझे उस मीरा की बच्ची का हिस्सा देना पड़ेगा। वो तुम डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर रहे हो या मीरा के साथ कोर्ट कोर्ट खेल रहे हो? मैं पूरे 25,00,000 आपको दे दूंगा, आप मुझे सिर्फ डिवोर्स दिला दीजिए। 25,00,000 में तुम्हें क्या, मैं पूरे खानदान को डिवोर्स दे दूंगा। क्या क्या, तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अगर आप मुझे डिवोर्स दिलवा दो तो मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा।
गलती हो गई, मैं उस वकील की बातों में आ गई। दरअसल मैं सोनू और मोनू के लिए ये सब कर रही थी। अरे अकलमंद तो ये पहले बोलना चाहिए ना, मैं भी कोई तुम्हारे और मेरे लिए थोड़ी कर रहा था, मैं भी ये 25 लाख उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट करने वाला था। ओ डार्लिंग, ओ डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो मैं डार्लिंग हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम अलविदा डार्लिंग। दिल रूपा जा रे जा, तेरी राहें अलग